सो हे गाइस, आप देख रहे हैं अनपेड इंजीनियर। और भाई आज भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब एनीवेज फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना वर्सेस बीबीके वाइंस के ड्रामा के बारे में। नाउ अगर आप मेरे कल वाले वीडियो ऑलरेडी देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है बोल के। अभी अमित भड़ाना बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए भुवन बाम के अगेंस्ट। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में नहीं जानते तो जाके मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो स्टोरीज अपलोड करने के बाद में अमित भड़ाना कल लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम में। लाइव में वो एक जगह इनडायरेक्टली इस ड्रामा के बारे में बात की, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। जलने वाले जलते रहेंगे, छोड़ो यार, मैं कार्रवाई करके ध्यान नहीं देता कि मैंने क्या कार्रवाई की है। कर दी तो कर दी, कोई रिग्रेट या कुछ वो नहीं होता। मेहनती बंदे हैं यार, काम करें, सभी मेहनत है, सभी करते हैं, सभी अच्छे करते हैं। अपना सीधा रूल है, ना मैं आपके बीच में, ना आप मेरे बीच में, ना आप मेरे दोस्त, ना मैं आपका दोस्त, ना आप मेरे दुश्मन, ना मैं आपका दुश्मन। हम क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिविटी से जवाब देंगे। जब बीच में छेड़खानी उल्टी सीधी चीजें होने लगती है ना, तो फिर ऐसा करते हैं यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार। अब आदमी चुप रहता है, अपने काम में रहता है, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी लोग कमजोरी समझ देते हैं कि कमजोर है। नहीं यार, कमजोर थोड़ी ना है, किसी चीज से दबके थोड़ी ना रहते हैं। बस एक बात रह गए यार दिल में कि काम काम में ज्यादा रहना, इन चीजों में थोड़ा कम रहते हैं, तो बस वही बात है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अब जो मेरे साथ होता है वो मुझे ही पता है, जो दूसरे के साथ होता है वो दूसरे को पता है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपना सोचने का नजरिया है। जैसी कहानी मुझे पता लगेगी मैं वैसी ही कहानी पर रिएक्ट करूंगा। पहले मैं उस पर रिसर्च करूंगा, सोचूंगा ये बात सच है झूठ है। जब मुझे कुछ सच लगेगी तो मैं उसी के हिसाब से कार्रवाई करूंगा। ऑल्सो अगर बात करें बीबी की वाइंस की, तो वो अपने चैनल में क्रॉस कर चुके हैं पूरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो या इस ड्रामा के बारे में तो वो अभी कुछ बात नहीं किए, वो बस थैंक किए अपने फैंस को कुछ ऐसे। आज 20 मिलियंस हो गए हैं, स्क्रीनशॉट मैंने 2015 में लिया था। थोड़ा सेंटी मोमेंट है सबको जब भी देना चाहता हूँ, #20 million for BB। सो माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बीबी के वाइंस फॉर दिस माइल स्टोन अचीवमेंट। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तो आप ऐसे यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियोज अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते। तो हम बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। और भाई आज कैरी मिनाटी के बारे में काफी सारे अपडेट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी मिनाटी अपने न्यू सॉन्ग वरदान रिलीज कर चुके हैं यूट्यूब पर, एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ सरप्राइज वीडियो। ना तो कुछ वो डेट बताए, ना ही और अपडेट दिए सॉन्ग के रिलीज से रिलेटेड, बस अपलोड कर दिए इस गाने को। एंड इसमें उनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो विद इन 24 आवर्स 3 मिलियन प्लस लाइक्स, 12 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं अब तक। सो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, थैंक यू फॉर द लव यू हैव शोन टू वरदान, नॉट जस्ट मी बट अ लॉट ऑफ पीपल वर इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, एंड इट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस टू सी एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, सो ब्यूटीफुल, आई लव यू ऑल। एंड गाइस इस सॉन्ग में कमेंट था बाय दिलीप जोशी, आप इनको जेठालाल फ्रॉम तारक मेहता उल्टा चश्मा शो के नाम से जानते होंगे। कमेंट में ये था, दिस मैन्स स्टोरी इज इंस्पिरेशनल फॉर दोज हु वांट्स टू बिकम एक्टर। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सच में दिलीप जोशी ने कमेंट किया, क्योंकि उनके नाम के आगे वेरीफाइड मार्क लगा हुआ है। बट जब मैंने उस चैनल को ओपन किया तो देखा कि वो बस एक फेक चैनल है। बट यहाँ कैरी मिनाटी को लगा ये एक रियल अकाउंट है। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो अपने लाइव स्ट्रीम में ये कहे, भाई जब दिलीप सर ने वरदान वीडियो पे कमेंट किया तो लगा व्हेन वन लेजेंड सेज अबाउट अनदर, वरदान ओपी शाउट आउट दे दो प्रणव जाधव। अरे यार थैंक यू सो मच ब्रदर, मेरे को भी एक्सपेक्टेड था, आई जस्ट सॉ एकदम से ना, तो मैंने फिर सबको पूरी टीम को स्क्रीनशॉट भेजा, एवरीबॉडी वाज रियली ग्लैड एंड हैप्पी, सबको बहुत बहुत मजा आया देख के। ऑल्सो इस लाइव स्ट्रीम में वो गरीब के आर के रोस्ट के ऊपर भी रिएक्ट किया, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। भाई के आर के की वीडियो देखी मैंने, के आर के की देखी मैंने, गरीब की वीडियो देखी क्या बात है करीब, तुमने तो बहुत बढ़िया मजे दिलवा दिए यार। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरे को वाला बहुत बढ़िया लगा था, कौन सा वाला था वो इसीलिए कह रही क्या ऑल्सो कैरी मिनाटी एक इंटरव्यू दिए ऑन द एंटरप्रेन्योर इंडिया चैनल। यहाँ पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात किए, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। तो फ्यूचर में म्यूजिक, आई वांट टू डू मोर म्यूजिक, आई वांट टू मेक माय होल एल्बम, ठीक है। एक मुझे एनिमेटेड शो करना है, वेब सीरीज करनी है एनिमेटेड शो। आई वांट टू मेक माय ओन मूवी जिसमें नॉट नेसेसरली कि मैं ही एक्ट करूँ या मैं ही रहूँ,
बट मैं लिखना चाहता हूँ एक मूवी। सो गाइस लास्ट अपडेट अबाउट कैरी मिनाती, उनका सॉन्ग यलगार क्रॉस कर चुका है 200 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। सो माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू कैरी मिनाती फॉर दैट। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। सो गाइस ट्रिगर्ड इंसान अपने स्ट्रीम में केआरके के वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए, आप खुद देख लीजिए वो क्या कहे। केआरके रोस्टेड कैरी भाई, उसने लिटरली सिर्फ दो फालतू गालियां देने के अलावा कुछ रोस्ट नहीं करा है, तो दैट आई डोंट इवन कॉल इट अ रोस्ट। इफ केआरके थिंग्स दैट इज अ रोस्ट ना, तो भाई तो मैं भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर हूँ, ठीक है, अगर वो रोस्ट था। मतलब सिर्फ बैठ के किसी को ये बोलना कि क्या बोलना, तो वो मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ उसको गालियां देना, वी डिड इट यार, कुछ तो अच्छा किया, सिर्फ गालियां दिया उसने उस वीडियो में उठा के, एंड उसको मैं रोस्ट नहीं कह सकता, दैट इज नॉट अ रोस्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते, तो हम बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो आपको याद होगा कि मैक्स टर्न एक ट्वीट किए थे, अगर कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं आएगा रिगार्डिंग पबजी मोबाइल फ्रॉम 15 टू 19 जनवरी तो वो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देंगे, एंड अगर 19 तक भी कुछ नहीं हुआ तो वो अपना इंस्टाग्राम भी हटा देंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही हुआ, अभी तक कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया तो अपना ट्विटर अकाउंट वो हटा दिया अराउंड 2 दिन पहले, एंड आज इंस्टाग्राम अकाउंट भी रिमूव कर दिए। अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यूजर नॉट फाउंड। सो आई डोंट नो यार मैक्स टर्न के दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम श्योर इसके ऊपर वो वीडियो वगैरह जरूर बनाएंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स आता है आई विल लेट यू नो। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि जब वो और उनकी गर्लफ्रेंड KGF चैप्टर 2 के टीजर के ऊपर रिएक्ट किए थे, एंड वो शायद कुछ मजाक या जोक भी बोल दिए, उसी वजह से उनको उनकी वीडियो में बहुत ही हेट मिला था, बट वीडियो को भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। नॉट ओनली दिस, उनको एंड उनकी गर्लफ्रेंड को थ्रेट्स भी आ रहे थे और लोग उनको गालियां भी देने लगे थे। तो उस सब के बारे में बात करते हुए ध्रुव राठी अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए विद द टाइटल व्हाई आई डिलीटेड माय प्रीवियस वीडियो। उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो एक मूवी के एक टीजर के एक सीन पर हंसने के लिए अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिलने लग जाए, आपकी फैमिली को, आपकी गर्लफ्रेंड को रेप थ्रेट्स मिलने लग जाए, मास ट्रोलिंग हो, गालियां मिले माँ बहन की, प्राइवेट कर दिया मैंने वीडियो, और ये सिर्फ मेरे ऊपर ही होता तो मैं फिर भी सह लेता, लेकिन यहां मैं किसी और के ऊपर हरासमेंट हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर नहीं रखना चाहता हूँ यहाँ। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं एंग्री प्राश के बारे में। तो गाइस एंग्री प्राश अपने नेक्स्ट सॉन्ग अनाउंस कर दिए, उन्होंने लिखा 26 जनवरी न्यू सॉन्ग इंट्रोड्यूसिंग समथिंग टू द एंग्री आर्मी अबाउट माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस यूनिवर्स नीड्स अनदर बिग बैंग हैशटैग 26 जनवरी। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं सोबित निर्वाण के बारे में। गाइस ये एक बहुत बड़े एजुकेशनल चैनल है, एंड 2 दिन पहले वो एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर विद द टाइटल आई नीड योर हेल्प नीड योर सपोर्ट। तो वो इस वीडियो बताया कि YouTube ने उनके चैनल को टोटली डिमोनेटाइज कर दिया है, अब वो YouTube से रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाएंगे, बस वो अपने चैनल के पुराने वीडियोस डिस्क्रिप्शन में टैग्स वगैरह डालते थे, विच इज अगेंस्ट द YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन। सो अब एक महीने बाद उनको वापस से रिप्लाई करना होगा टू री एनेबल द मोनेटाइजेशन। आई होप उनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम बात करने वाले हैं जैनी रूबी जैन ऑफिशियल के बारे में। तो ये जो है बहुत पॉपुलर के पॉप पिंक की मेंबर है, एंड गाइस रिसेंटली 13 जनवरी को उन्होंने जो है अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया, एंड एक दिन पहले उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी, एंड उस वीडियो की वजह से जो है अब तक 2.44 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, एंड एक हम है जिनके चैनल पर 100 वीडियोस होने वाली है बट अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। गाइज एलविश यादव अपने सेकंड चैनल पर रोहित खत्री को रोस्ट करने वाले हैं, एंड गाइज उसके रिगार्डिंग वो एक स्टोरी भी पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर जैसे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रोहित खत्री का फोटो है एंड एक और लड़की का फोटो है। सो यार रोहित खत्री तो ठीक है बट ये लड़की कौन है आई रियली डोंट नो, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी गेमिंग कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन हितेश नागर भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन रचित्रो कंप्लीट कर लिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन ज्ञान गेमिंग कंप्लीट कर चुके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली बूमिंग बूम्स को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो यार दिस इज ऑल फॉर दी एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर देना, एंड अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।